नमस्कार साथियों, पहले तो मैं तमाम हरियाणा के वोटर्स का आभार प्रकट करता हूं कि 11 महीने के सफ़र के अंदर एक एक साथी ने जो प्यार स्नेह उत्साह दिखाया, आज उसका नतीजा है कि बड़ी मजबूती के साथ दिन रात एक कर कर एक एक साथी ने बड़ी लगन के साथ जननायक जनता पार्टी परिवार को एक ताकत दी, प्रदेश के अंदर एक शक्ति बनाकर उभारने का काम किया। नतीजे 24 तारीख को जो भी आए, मैं तो एक एक साथी को बधाई देता हूं कि उनकी मेहनत, लगन और उत्साह का नतीजा है कि आज प्रदेश की प्रत्येक जिले के अंदर आपने अपने संगठन को एस्टैब्लिश भी किया। मत पेटियों में भविष्य तो सबका तय हो चुका, मगर साथियों, ये आपकी मेहनत है कि इस छोटे से अंतराल के अंदर भी आप लोगों ने जिस तरीके से घर घर तक पहुँच कर पार्टी के सिंबल को पहुँचाने का काम किया। आप देखना, 24 तारीख को एक करिश्मा आपके सामने होगा, एक ऐतिहासिक स्वरूप के अंदर लोगों का प्यार आपके साथ जुड़ेगा। और मैं ये मानता हूँ कि जिस लक्ष्य के साथ आज से 11 महीने पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इस सफ़र की शुरुआत करने का निर्णय लिया, आप जैसे साथियों की बदौलत आज वो निर्णय अपने आप में एक कीर्तिमान साबित हो रहा है। और मैं तो उम्मीद करूँगा एक एक साथी इसी मेहनत को आगे भी बरकरार रखेगा। पार्टी के लिए जो उसका प्यार है, समर्पण है, चौधरी देवीलाल की सोच के साथ जिस निष्ठा भाव के साथ वो जुड़ा रहा है, उसी निष्ठा भाव के साथियों, ये आज आपकी बदौलत है कि हम प्रदेश के प्रत्येक बूथ तक पहुंचे हैं। आप जैसे साथियों की बदौलत है कि सुबह 6 बजे पोलिंग मशीन खुलने से लेकर लगभग 6:30 का समय हो चुका है, पोलिंग मशीनें सील हो रही हैं। इस पूरे सफ़र में एक एक व्यक्ति ने अपना साथ समर्पण पार्टी के प्रति लगाने का काम किया। मैं तो दोबारा तमाम साथियों को बधाई दूंगा और साथ में जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे आग्रह करूंगा कि अभी आपकी अंतिम लड़ाई बाकी है। जब तक आप मशीन को आखिरी अंत तक सील ना कराओ और फॉर्म 17 जो आपका पोलिंग ऑफिसर है उससे ना लो, अपना बूथ मत छोड़ने का काम करना। 10 मिनट की, 15 मिनट की बात है, मगर आपने जैसे ही पोलिंग सर्टिफिकेट ले लिया, उस पोलिंग सर्टिफिकेट के लेने के बाद किसी भी मशीन की कोई भी सील को चेंज नहीं कर सकता, तो वो ज़रूरी है। साथियों, कई साथी आज सोच रहे हैं कि डूमरखा में क्या गतिविधि हुई, जहाँ मैं एक बूथ चेक करने गया था वहाँ एक साथी ने एक फर्जी वोट डलने के बाद, जब बैलेट वोट किसी में कैंडिडेट ने डालना चाहा, वोटर ने डालना चाहा, उसके ऊपर विरोध किया। उस साथी को शायद इतनी नॉलेज नहीं थी कि एक वोटर अगर उसका वोट कोई और कास्ट कर जाए तो वो बैलेट वोट के माध्यम से अपने वोट को कास्ट कर सकता है और उस नंबर वाले वोट को कैंसिल कर दिया जाता है। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का वातावरण उन द्वारा बनाया गया, उसकी लिखित तौर पर कंप्लेन कर दी, पर कई जगह यह दिखाया कि दुष्यंत की चोट लगी, दुष्यंत की चोट नहीं लगी, बिल्कुल उन्हें प्रयास किया वहाँ वातावरण खराब करने का। और मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जींद मौके पर आए थे SP जींद के साथ, उनको हमने रिटर्न में कंप्लेंट भी दी, प्रॉपर कंप्लेंट हम एक एक विषय की बनाकर उनको भेजते रहे, उसके ऊपर वो प्रॉपर एक्शन लेने का भी काम करेंगे। पर साथियों, घबराना नहीं है, जब तक आप अपने इस भाई बेटे के साथ हो, ना तो मैं घबराने वाला ना मैं रुकने वाला। अभी तो संघर्ष का पहला कदम पूरी तौर पर पूरे हरियाणा में हमने रखा था, अभी तो पता नहीं कितना लंबा सफ़र हमने मिलकर आगे बढ़ना है, उसमें खुशियाँ भी आएंगी, गम भी आएंगे, एक दूसरे के साथ खड़ा भी होना पड़ेगा। मगर मैं दोबारा एक एक हरियाणा के वोटर का धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने हिम्मत दिखाई, खड़े होकर वोट डालने का काम किया। और साथ में बधाई दूंगा एक एक उस साथी का जिसने इस पूरे सफ़र के अंदर अपने योगदान के साथ पार्टी को आज इस मुकाम पर पहुँचाया है। दोबारा आप तमाम भाई बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ एक नया हरियाणा, एक नया उदय 24 तारीख को हम सब मिलकर हरियाणा विधानसभा की उत्ताड़ी चाबी लेकर हरियाणा विधानसभा की ओर भी चलने का काम करेंगे। दोबारा तमाम साथियों को जो इस मैदान में चुनाव लड़ रहे थे, ऑल द बेस्ट।
तमाम एजेंट्स का धन्यवाद, तमाम वोटर्स का धन्यवाद।